जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर हमारे डब्ल्यू बी मेहमानी शान इल्म में। आज हमारा तीसरा क्वार्टर फाइनल है, यानी कि आज के हमारे तीनों जो शुरका हैं वो वही हैं जो अपने अपने राउंड के फाते हैं, और आज का जो राउंड जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। फाइनल के विनर के लिए डब्ल्यू बी मेहमानी की जानब से 3 लाख रुपये कैश का इनाम है। रूल्स एंड रेगुलेशन से आप सब लोग वाकिफ हैं ही, एहतियातन एक बार बजर बजा लीजिए ताकि हम जरा देखने के बजर आप लोगों के ठीक चल रहे हैं। पहला राउंड है, बजर राउंड है, +10 -10 आप सब पहले खेल चुके हैं तो आपके इल्म में है सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जनाब हम करते हैं बाकायदा तौर पर आगाज आज के इस मुकाबले का। तो आज हम आगाज करते हैं एक आवाज़ सुनिए, जब सवाल हो तब बजर बजाइएगा, आवाज़ के दौरान या कलाम जब पढ़ा जा रहा हो तो कलाम के दौरान अगर बजर बजाएंगे भी तो वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ सवाल में बेशक आप पहले जुमले में बजर बजा दें लेकिन फिर आपको खुद ही सवाल भी पूछना होगा, लेकिन कलाम आयत कुछ पढ़ा जा रहा हो तो उस दौरान बजर बजाने का फ़ायदा नहीं है। सुनाइएगा आवाज़, पहली आवाज़ सुनाइएगा जनाब। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الصَّبْرِ। अब हम यहीं से फिर वीडियो आगे चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल मेरा यह है कि आपके कानों में किसकी आवाज आई है, ये कौन थे, आवाज गैस कर सकते हैं किसकी आवाज थी है? मैं ऑप्शंस देता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज थी क्या ये, या जुनेद जमशेद साहब की आवाज थी? सी जनाब, जुनेद जमशेद। जनाबे जुनेद जमशेद साहब की आवाज थी, ठीक है आपका जवाब। वीडियो जरा चलाइएगा भाई, फिर हम अगले सवाल करते हैं। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ। आयत का कौन सा मशहूर मारूफ, इन्ना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई मर जाए सबर कर लेते हैं ये आयत पढ़ के। ठीक है ठीक है, अल्लादीना, ठीक है ठीक है, मान लेते सही जवाब, 10 सबर होगा आपके। और है जी, हाँ हाँ ठीक है, जब कोई मुसीबत आ जाए तो भी पढ़ा, राइज यही है जो आपने कहा, लेकिन जब कोई मुसीबत भी आ जाए तो ये पढ़ा जाता है। ये आपके इल्म में ये आखिरी जुमा पढ़ाया था जुनेद जमशेद साहब ने, जो वाकया हुआ था प्लेन क्रैश का, उससे पहले आखिरी जुमा ये पढ़ाया था और उसमें ये आयात पढ़ी थी जुनेद भाई ने। कुरान करीम के कौन से सूरे में है ये आयात जनाब? सूरह बकरा, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तरतीब के एतबार से नंबर क्या है सूरह बकरा का? ए अगेन जी, दूसरा अलहम्द के बाद, सही है आपका जवाब। और तरतीब के एतबार से सूरह बकरा के बाद कौन सा सूरह है? अगेन ए जी जनाब, सूरह आले इमरान, बिल्कुल सही है आपका जवाब। सूरह आले इमरान किस हस्ती के वालिद पर है? अगेन ए जी भाई, जनाबे बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, क्या कहना है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब सूरह आले इमरान। और नजाशी के दरबार में क्या सवाल है, क्या जवाब है? हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत की। किस सूरह की तिलावत की गई थी? सूरह मरियम की, ठीक है आपका जवाब। ठीक है, अगली ऑडियो सुनिए जनाब, फिर सवाल करते हैं। ठीक है, अगला जुमला क्या आने वाला था जी? शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वत परवरदिगार ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये सही नहीं हो सकता, चूंकि है भी क्वार्टर फाइनल और आपने आधा गलत पढ़ा, क्वार्टर फाइनल में थोड़ा सा मिस्टेक होना पड़ेगा, गलत माना जाएगा, -10 होंगे इसमें। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, तो ये आधा हो गया। ये दिखाइएगा जरा, दिखाइएगा, फिर सवाल करते हैं आगे। सैफ यानी सी जी भाई, तलवार, सैफ यानी तलवार, सही आपके जवाब, ऑलराइट बिल्कुल ठीक। 40, 0 और 30, एक लफ्ज आया जुल्फिकार जी भाई, हजरत अली की तलवार, सही है बिल्कुल ठीक, ओके। अगर मफहूम इसका बता सके जो मैं पढ़ने वाला हूं, ला फता इल्ला जनाब, ला फता नहीं है कोई बुलंद, नहीं है कोई तलवार अली की तलवार जैसी, और नहीं है कोई अली जैसा। ला फता इल्ला अली, मतलब अली की तलवार जैसा ना, ला सैफ तलवार नहीं है, इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं है। अब वो कंट्रोल रूम में ये कह रहा हूँ, यहाँ भी ख्याल है कि चूंकि हम क्वार्टर फाइनल इतने ज़रा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ला फता इल्ला अली ला सैफ, नहीं कोई बहादुर अली जैसा, नहीं कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार जैसी,
तो ये ज़रा इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी, नहीं ये माइनस नहीं होंगे जनाब, सबका ये मुत्तफ़िका फैसला है। ओके और ये तो आपने सुन लिया ना, ला फ़तह इल्ला लिल्लाह सैफ़ल, ये कौन सा कलाम पढ़ा जा रहा है, इस कलाम का टाइटल क्या है? जी शाह मर्दा शेर यजदा कुवते परवरदिगार। मैंने कहा टाइटल क्या है इस कलाम का, वो तो एक इसका हिस्सा है ना इस कलाम का। हाँ हाँ ये गिरा है, ये टाइटल नहीं है इस कलाम का, इसलिए माइनस नहीं करना पड़ेगा। ये वो है ना, मन कुन तो मौला, ये कलाम, इसीलिए मैंने कन्फ्यूजन ना, उसने मैंने कहा भी कि ये तो आपने सुन लिया, अब बताएगा इसका टाइटल क्या है, तो बताना ही चाह रहा था कि ये नहीं है कुछ और है, तो ये गलत हो गया जवाब। इसका उर्दू में मतलब क्या होगा, मन कुन तुम जनाब? जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तभी हम मौला कायनात कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका जवाब। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर सवाल करते हैं, दिखाइएगा जनाब वीडियो। ऑलराइट एग्जैक्टली ये रिपीट कर सकता है कोई, सीने बजाना पहले। जी भाई आपका आवाज नहीं आ रही लेकिन नजर आ रहा है बजर, ठीक है तो आप लाइट नजर आ रही है, वो मसला नहीं। जी मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखू नजारा अली का है, इस समत देखता हूँ नजारा अली का है। इतना मान लेते हैं, ठीक सही है ओके। 40 सिफर था, मंजर फजाए दहर में, दहर यानी इसको इस अंदाज में कह लें कि दहर यहाँ दुनिया के मानों में आएगा या समंदर के मानों में आएगा, करीब तरीन मानी क्या होगा? दुनिया ठीक है, फजाए दहर जी, हाँ दुनिया जमान ठीक है, यानी करीब तरीन मानी है, ये समंदर तो नहीं है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इस कलाम का क्या सवाल है, क्या जवाब है इस कलाम के शायर, मतलब आप बताएं क्या सवाल और क्या जवाब है और जवाब दे दें, क्योंकि मैं जवाब के बाद ही बताऊंगा कि ये था या ये था, जो भी आपने बजर बजा दिया। इसका दूसरा मिसरा है, मंजर फजाए दहर में सारा अली कहे, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली कहे, कुल का जिस चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली कहे। सवाल ये था कि इस कलाम का एक शेर सुना दें, वो सुना दिया इन्होंने कुल का जमाल जुज्व के चेहरे, ठीक है सही मान लेते हैं, ठीक है ऑलराइट ठीक है ओके। कुल का जमाल, अगला सवाल हो रहा है, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। क्या सवाल है, क्या जवाब है भाईजान? इसके मायने क्या है, मतलब कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पे थे तो बिल्कुल नजारा इमाम अली की तरह था, तो जवाब ये है। अच्छा सच्ची बात यह कि सवाल यह था कि कुल और जुज्व से मुराद क्या है, पूरी तशरीह आपने, अब इसमें क्या कह रहे हैं इसको, नहीं ना जब ये सवाल नहीं था तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, तो ये आपने शेर की तशरीह बिल्कुल सही किया लेकिन ये सवाल नहीं था। कुल, अब मैं सवाल कर रहा हूँ बताएं, कुल और जुज्व का क्या मतलब है? जी बता दें, कुल मतलब सारा और जुज्व एक हिस्सा, बस बिल्कुल ठीक है जवाब, सही है यही सवाल था, ठीक है ठीक है आपका जवाब ओके। अगला इसका एक शेर है, मरहब दो नीम, किसने बजाया? जी भाई, जब इमाम अली ने मरहब को एक ही वाल में वासिल जहन्नम कर दिया तो पीर नसीरुद्दीन नसीब शाहजा फरमाने लगे कि मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली कहे। ठीक है जवाब, यही शेर सुनाना था और इसी का मतलब बताना था, सही है जवाब ठीक है ऑलराइट ओके। आपने खामो खामे शायर का नाम बता दिया, वरना मैं अगला सवाल करता और आपको 10 नंबर मिल जाते कि ये शायर कौन है, इसी ने मशहूर था कि इजाफी, खैर आपने इसने बताया होगा कि सवाल कुछ भी हो सकता है, बहरहाल अच्छा जनाब। मरहब किस जंग में, सी जनाब? खैबर, जंग खैबर ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है आपका जवाब ऑलराइट ठीक है। जंग खैबर सूरह सी, जी हाँ जी, 5-4 सूरह आज़ाब, सूरह आज़ाब ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है आपका जवाब। जंगे खंदक था ना वो, तो आई एम सॉरी नहीं नहीं, हाँ माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, नहीं ये सवाल ना प्लस ना मैंने, माय मेरी गलती है, वो तो जंगे खंदक है ना सूरह आज़ाब, सॉरी ठीक है अच्छा। तो ये ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये सवाल डिस्कार्ड हो जाएगा, अच्छा माय मिस्टेक। अच्छा सवाल ये है कि जंगे खंदक की अब बात हो रही है तो मशवरा किसका था
इन्हें बजाय जी हजरत सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी, बिल्कुल सही है आपका जवाब, बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट, ओके। और सूरह अज़ाब हो गई, जंगे खंदक हो गई, तो एक बड़ी मशहूर आयत है, उसको मुकम्मल कर दें, इन्नल्लाहा इन्नल्लाहा व मलाइकातु यसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एक एक और वीडियो देखिएगा जनाब, ठीक है जनाब। कितनी बेबस थी बहन, राइट जनाब, सिर्फ उस वाकये का नाम बता सकते हैं जिसके हवाले से ये बात हो रही है, वाकये, ये क्या बात हो रही है जनाब भी ने बताया जी, करबला, ऑफ कोर्स वाकये करबला, सही है आपका जवाब, वाकये करबला, यौमे आशूरा, हिजरी कौन सी थी जनाब, 5, 4, 3, 60 हिजरी, 61 हिजरी थी, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, तो गलत हो गया ये जवाब है ना, 61 ही है। अच्छा जनाब, तू ना आया गाजी, ये नौहा था, कलाम था, इन्हें बजाय जी भाई हजरत अब्बास से अलमदार, यही सवाल था कि किसको मुखातिब किया जा रहा था, हजरत अब्बास से अलमदार, शहर बताना है जहां है हजरत अब्बास का जनाब, करबलाए मौला, करबलाए मौला, सही है आपका जवाब। इस नौहे में, इस कलाम में कौन मुखातिब कर रहा था जनाब, जी जी बच गया, जैनब, जनाबे जैनबे कुबरा, बिल्कुल नहीं नहीं आप इस पे परेशान ना हो, जब बजाने नजर आ रहा है, क्योंकि हमें लाइट नजर आ रही है तो आवाज ना आने में परेशान ना हो, हमें तो आदत हो गई पहले रोजाना खराब हो रहा है, बस नहीं अब कभी आवाज आती है हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया भाई। अच्छा तो जनाबे जैनबे कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का आपने शहर बताना है, सी जी शाम, शाम दमिश्क, ठीक है शाम, ऑलराइट, बिल्कुल सही। अच्छा इनका नाम बता सकते हैं जिन्होंने कलाम पढ़े थे, मशहूर एक्टर हैं कोई, हाँ इन्होंने क्या बताया, हाँ दमिश्क शाम, शाम दमिश्क, ठीक है दमिश्क शाम, मान लेते हैं सही, ठीक है ठीक है, मान लेते हैं सही, हाँ। अच्छा बस वक्त बहुत कम है तो चले मैं सवाल छोड़ता हूँ, हम जरा जल्दी से आगे बढ़ेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, जरा आइए। हजरत अली का रोज़ा मुबारक कहाँ पर है, किसने बताया जी भाई, बी नजफ, जवाब दुरुस्त, राइट ठीक है, ओके ओके जनाब। दुनिया के सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, मतला जी, मतला अहले नज़र की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल के सहारा अली अली, जवाब दुरुस्त है। Alright, शायर का नाम बता सके जनाब, चिश्ती, जवाब दुरुस्त है, ठीक ओके ओके जनाब मोहसिन भाई। अली इमाम मनसो मनम गुलाम अली, अगली लाइन अगर जनाब, हार जाने गिरामी फिदा बना में अली, जवाब दुरुस्त है, ये इसका मतलब बता सकते हैं, अली इमाम मनस तो जी, जी बताएं, अली मेरे इमाम है और मैं उनका गुलाम हूँ, जवाब दुरुस्त है, ठीक है हो गया जनाब जनाब जनाब। बहरे तस्लीम अली मैदान, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के, शायर का नाम बता सके तो किसने, अहमद रजा खान बरेलवी, जवाब दुरुस्त है, राय, ओहो अच्छा, तो एकदम से दोबारा एंट्री मार दी है, पार्टिसिपेंट सीने और आगे निकल गए हैं, रैपिड फायर राउंड जरा सा छोटा होगा लेकिन हम तस्वीर दिखाते हैं पहले आपको, बी को, ठीक है पहले 3 तस्वीरें, बी आपके लिए जनाब, दिखाइएगा पहली तस्वीर। अच्छा जनाब ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये नजफ अशरफ है, तो ये किसका रोजा है जी, रोजा है हजरत अली, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, और जबरदस्त आलिम दीन शुजा भी आता है इनके नाम में, 5, 4 तंजीम इस्लामी, 4, 3, 2, 1 ओके, शुजाउद्दीन शेख साहब, शुजा भाई हम आपको बड़ा मिस भी करते हैं नशरियात में भी। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा जनाब, जौहरी साहब, तालिब जौहरी, अल्लामा तालिब जौहरी, बिल्कुल सही है आपका जवाब, आलिम और मुफस्सिर कुरान, बड़े जबरदस्त मरहूम। सर आपको दिखाएंगे, 1 को 3 तस्वीर दिखाएंगे, मैं हिंट दूंगा, दिखाइए। अच्छा
अगेन जिस पे मैंने इनको थोड़ी रियायत भी दे दी, दमिश्क सीरिया वाला, तो ये वही रोजा है ये, यानी किसका रोजा हुआ, अभी बात भी आई थी, इमाम हुसैन अलैहि सलाम का। उफ बीबी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब, हाँ पहला जवाब आखिरी जवाब है, इसलिए गलत हो गया। अभी मैंने बताया भी कि मैंने उनको लचक दी कि दमिश्क था, शहर पूछा, इन्होंने मुल्क बता दिया, हमने कहा चले ठीक है जनाब ज़ैनब कुबरा, तो गलत हो गया जवाब। अच्छा जनाब, इमाम हुसैन तो करबला है ना, अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। अच्छा जनाब, ताहिरुल कादरी, जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी, बिल्कुल ठीक आपका जवाब। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, इनके नाम के आखिर में आते हैं तुराबी, तुराबी साहब, मदरसे शाम गरिमा, पी टी वी डैश तुराबी, क्या आएगा, क्या नाम है इनका पूरा, मरहूम नासिर तुराबी, नहीं मल्लामा रशीद तुराबी सर, सी दिखाइएगा पहली तस्वीर इनको जनाब। मैं ये है आज की शब की मुनासिबत और मस्जिद, जामिया मस्जिद कूफा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, मुफ्ती तकी उस्मानी, बिल्कुल ठीक। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा जनाब, इनकलाब ईरान, इमाम खुमैनी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जरा मुझे बताइएगा टाइम एग्जैक्टली कितना है हमारे पास, टोटल कितना बाकी है, तो फिर हम क्विकली कर लें फिर एक एक मिनट, ठीक है ना, आइए ठीक है आइए 60 सेकंड्स आते हैं आपके हैं, पहले 60 सेकंड शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर साहिवाल का पुराना नाम, मॉन्टगोमरी या लायलपुर, गायपुर, गलत। नेल्सन मंडेला ने सदारत का हलफ उठाया 1994 या 2004, 1994 ठीक। जुनैद जमशेद का इंतकाल हुआ 2016 2022, 2016 ठीक। किस एजाद की टेस्टिंग के दौरान अमवात हुई, पैराशूट या रेडियो, रेडियो, गलत। टेलीफोन एजाद हुआ 1876 या 2006, 1876 ठीक। चाय की ज्यादा पैदावार इनमें से चीन या कीनिया, कीनिया, गलत। जर्नलिज्म को उर्दू में सहाफत या अखबार, सहाफत ठीक। इंडिया की इस तारीखी इमारत का नाम जो सफेद मार्बल से बनी, कुतुब मीनार या ताजमहल, ताजमहल ठीक। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता क्रोशिया ने या फ्रांस ने, फ्रांस ठीक। स्नेल कितने वक्त तक के लिए सो सकता है, 3 साल या 3 मिनट, 3 मिनट, गलत। क्या इंसान के दोनों फेफड़े बराबर होते हैं, हाँ या नहीं, नहीं ठीक। क्या सदर पाकिस्तान सेनेट डिसॉल्व कर सकते हैं, हाँ या नहीं, नहीं ठीक। स्पेन का दारुल खिलाफा मैड्रिड है या तेहरान, मैड्रिड ठीक। किस मुल्क में इनमें से ज्यादा झीलें हैं, कनाडा अफगानिस्तान, कनाडा ठीक। परिंदों का बादशाह गिद्ध या शाहीन, शाहीन ठीक है जवाब। ओके सर आपके टाइम का मैं मुकाबला सकते हैं, एक है अगले 60 सेकंड आइए आपका वक्त शुरू होता है। अब आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब या पाकिस्तान, पाकिस्तान ठीक। हकीम सईद मारे गए 1998 या 2018, 1998 ठीक। न्यूटन ने कशिश शक्ल दरियाफ्त की 1687 या 2007, 1687 ठीक। गूगल मैप का फीचर लॉन्च हुआ 2005 या 1985, 2005 ठीक। दुनिया का पहला सैटेलाइट मदार में 1957 या 2007, 1957 ठीक। दुनिया का पहला सैटेलाइट किस मुल्क की जानिब से, रूस या अमेरिका, रूस ठीक। मुहिमजू मार्को पोलो इटली से या पाकिस्तान से, इटली से ठीक। नो टोबैको डे 31 मई या 14 अगस्त, 31 मई ठीक। केले में कौन सा मिनरल, पोटेशियम या विटामिन, विटामिन गलत। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 या 1980, 1980 गलत। एक तरबूज में 92% कैल्शियम होता है या पानी, कैल्शियम गलत। एक ट्रिलियन में तकरीबन 12 सिफर या 112, 12 सिफर ठीक। फुटबॉल और हॉकी के कैप्टन की पहचान, बाजू पर पट्टी से या ड्रेसिंग से, ड्रेसिंग से गलत। दुनिया का सबसे ज्यादा खुश्क और हवादार बर्रे आजम, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका, जी एंटार्क्टिका या ऑस्ट्रेलिया ठीक है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, चूंकि वक्त गया था। 8 सितंबर 2022 को यूके का बादशाह कौन था, एंड्रयू या चार्ल्स थ्री, चार्ल्स थ्री ठीक है आपका जवाब। जो थोड़ा सा मैं टाइम लगे उसमें मैंने एक सवाल और पूछ लिया सर आपके 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड का वक्त भाईजान शुरू होता है। अब ठंडे ममालिक में बर्फ को पिघलाने के लिए क्लोरीन या नमक, क्लोरीन गलत। रोशनी का सबसे बड़ा जरिया आग या सूरज, सूरज ठीक। साल के किस महीने में 28 दिन, मार्च या हर माह, हर माह ठीक है। क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का, फ्रांस यस। किस इलाज में स्किन पर सुइयां लगाते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर ठीक। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 या 1975 ठीक। पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीमें, 8 या 18, 8 ठीक। किस मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमान, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ठीक। वुमेन डे 8 मार्च, 8 मार्च ठीक। कौन सा जानवर WWF का लोगो, कबूतर या पांडा ठीक। चीता किस मुल्क का कौमी जानवर, इंडिया या पाकिस्तान ठीक। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क ठीक। दुनिया का सबसे छोटा समंदर पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन, बिल्कुल ठीक। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस बिल्कुल ठीक। कुआलालंपुर यानी मलेशिया, मलेशिया बिल्कुल ठीक। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर, बिल्कुल ठीक। जापान की करेंसी यूरो या येन, येन बिल्कुल ठीक। मजार ए कायद पे फानूस ईरान या चीन, चीन बिल्कुल ठीक। महीने में कितने दिन होते हैं, मई के 31 या 29, 30, 29 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन इसका आप अपनी एक्सपर्टीज में आप अच्छा खेल लिए और
आखिरी राउंड में आपने, वैसे ही आपको बढ़तरी थी लेकिन आखिरी राउंड में आपने उड़ा के ही रख दिया, रिकॉर्ड बना दिया गबर सर, पहले भी रिकॉर्ड नहीं का था ना जो मुसल जवाब दे रहे थे। सो मुकाबला बहुत क्लोज जा रहा था ए और सी के दरमियान, लेकिन पार्टिसिपेंट सी ने पहले भी रैपिड फायर राउंड में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई थी और आज भी ऐसा ही हुआ। सो हतमी नतीजा वन साइडेड हो गया, हालांकि इससे पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि वन साइडेड। 180, 200, 310, सो आप जीते हैं आज का मुकाबला। अगले राउंड में आपसे मुलाकात होगी। तीनों का बहुत शुक्रिया, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।